खवातीन हज़रात, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। यहाँ से क्लास उठा रहा हूँ पहले तो, क्योंकि सुबह उठते ही गर्म पानी पीऊंगा। अच्छा, गर्म पानी पीने से ना यार मेरी खांसी ना जो 15-20 दिनों से मुझे खत्म नहीं ना हो रही थी, वो बिल्कुल ही भाग चुकी है। और वैसे भी बंदा तरोताजा रहता है यार। सर्दियों में खासतौर पर ना इंसान को गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीने से तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी चस्का तो बहुत दे देता है लेकिन आपको ना बीमार कर देता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बारिश वाला मौसम है। बारिश हो भी रही है हल्की हल्की, लेकिन रोमांटिक बारिश हो रही है। अभी जी बॉस, मैंने नाश्ता वगैरह आज घर से नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आए हुए हैं कराची से, तो आज का नाश्ता मेरा उनके साथ डन है। ये जी अपने नाश्ते में आज गर्मा गर्म लाहौर के भटूरे, और साथ में चने, और साथ में हलवा, और साथ में चाय, और साथ में दोस्त। वाह वाह। यार नाश्ता वगैरह करके मैं घर आ गया था, और मैं 2 घंटे धचके में रहा हूँ एक बात सुनने के बाद। रात को ना मुझे मेरे दोस्त शेख की कॉल आती है, मैं उस टाइम जा रहा होता हूँ सहर बहन के घर, और मुझे रास्ते में कॉल करता है, कहाँ है? मैंने कहा यार मैं वहाँ वहाँ जा रहा हूँ। कहता अच्छा चल ठीक है यार, अभी कॉल पर रहते हुए ही ना अपना जो इनबॉक्स है ना वो खोल, मैंने एक पिक्चर शेयर किया, वो पिक्चर देखो। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ पिक्चर। मैंने पिक्चर देखी तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ओह माय गॉड यार, ये क्या हो गया, ये पिक्चर थी उसकी। शेख की दरअसल जॉब लग रही थी यूरोप में, तो उसके लिए पासपोर्ट इसने कंपनी की तरफ भेजा हुआ है अपना, तो मुझे लगा इसका पासपोर्ट वापस आ गया है और वीजा लग चुका है, और मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा चल आ मिल, पार्टी दे मुझे, हम लोग मिलकर एंजॉय करते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो। बिकॉज इसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैंने बाहर जाना है और गोरी से शादी करके पाकिस्तान वापस आना। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था यार कि शेख का वीजा लग गया, और शेख की जो बचपन की ख्वाहिश है ना वो पूरी हो गई है। लेकिन वो सारी मेरी एक्साइटमेंट अभी 2 घंटे पहले खाना खराब हो गया। उस एक्साइटमेंट का खाना खराब हाफिज ने किया, क्यों किया ये मैं बताता हूँ अभी आपको। इसने आकर मुझे ये सारी हकीकत बताई है कि तुम्हारे साथ शेख ने असल किया क्या है। हाफिज ने मुझे आकर बताया कि भाई वो रात के टाइम बैठकर तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था कि मेरा वीजा लग गया, और लिटरली मैं और कवल इतने एक्साइटेड थे उस टाइम कि यार शेख का वीजा लग गया, उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अब तो वो जी गोरी से शादी करके ही पाकिस्तान लेकर आएगा गोरी को। और मैं सोच रहा हूँ, मैं कवल को बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि यार मेरा एक ही दोस्त है वो बाहर चले जाएगा, तो कवल मुझे ऊपर से कह रही है कोई मसला नहीं जुल्कर्नैन, वो तुम भी उसके पास चले जाना घूमने फिरने। मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। तुम भी मेरी दोस्त हो, तुम मेरी बीवी भी हो ना, पर मैं दोस्त नहीं हूँ। यार पहले मैं ये मसला सॉल्व करूँ, तुम मेरी दोस्त भी हो, तुम मेरी बीवी भी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। बेस्ट फ्रेंड? जी बेस्ट फ्रेंड। वो तो बोला नहीं। हाँ बेस्ट फ्रेंड, सॉरी यार। ओके जी मसला सॉल्व। अच्छा बर्थडे शेख की तरह, तो कवल कहती तुम भी उसके पास घूमने फिरने फिर चले जाया करना, कोई मसला नहीं यार। Correct. चलो फिर से करेक्ट कर दिया। अच्छा जी हम भी उसके पास घूमने फिरने चले जाएंगे, तो हम लोग एक्साइटेड थे। मैंने उसे कॉल पे कहा कि अच्छा ठीक है अब आओ घर। कहता मैं तू जब भी घर आता है ना मैं आता हूँ। वो घर रात में घर नहीं आया। मैंने भी कहा कि यार चलो लेट हो गया तो उसको आराम करने दे। मैंने अभी सुबह के टाइम भी उसको कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई जिस वक्त मैं दोस्तों के साथ नाश्ता करने गया हूँ। तो अभी जब बाद में हमजा घर आया ना, उसने मुझे बताया कि वो रात को तुम्हारे साथ बैठ कर पैक कर रहा था, तो मेरा इधर दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा इस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके प्रैंक का बदला मैं इससे लेकर छोड़ूंगा। कहाँ पर पहुँच गयो है, क्या कह रहे हैं? उसको कहो मैं आ रहा हूँ। मैंने ऑफिस आना 6 बजे पहले, 6 बजे काम स्टार्ट होता है, उससे पहले पहले आ जाऊंगा मैं। कट कर दे, कट कर दे, कट कर दे। 5:15 तक। ओके। अभी शेख को नहीं पता कि हमजा ने मुझे बता दिया इस बारे में कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। शेख स्टिल अपने रात वाले प्रैंक पर कायम है, और मैंने अभी करना ये है कि उस प्रैंक का बदला लेना है, लेकिन एंजॉय करके। हमने खाना भी खाना है। हाँ जी अभी पार्टी लेनी है, इस प्रैंक की भी पार्टी हमने लेनी है उससे। और अभी मैं जाते जाते रास्ते से उठाऊंगा ढोल, उसके वीजा लगने की खुशी को करेंगे एंजॉय, उसके बाद उसे बताएंगे कि मुझे तो पता था पार्टी शार्टी लेने के बाद। अच्छा वैसे ना जगह जगह गली गली ढोल वाले घूम रहे होते हैं,
हैं, लेकिन आज हम लोग जब ढूंढने निकले हैं तो ढोल वाले ही नहीं मिल रहा कोई। अभी जी फाइनली ढोल वाले मिल गए हैं मुझे, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद देखते हैं किसके साथ डील बनती है हमारी। ढोल ही चाहिए 5-10 मिनट के लिए। किधर जाना है? ये साथ ही समझ लो, यहाँ से 2 मिनट का सफर। अच्छा सर, बेले शेले होगी सर? बेले शेले यार समझ लो, एक दोस्त को खुश करना है। अच्छा, उसके लिए ढोल लेके। सर हम 2 बंदे जाएंगे। ठीक है, तो 2000 रुपया। 2000 रुपया बेले जो सर हो गए, बेले जो होगी होगी यार। 2000 ज्यादा नहीं मिल जा, 1500 दे देना सर। 2 आदमी जा रहे हैं, 1500 रुपया। अगर आप लोगों में से भी कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कर ले मुस्तफा साहब से। ठीक है मुस्तफा साहब, आपने कहा जी वीडियो में ले आए तो ले आए सर। किधर आ जाएगा? अंदर आ गया जी, आ गया ढोल। ये डडक 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 शेख आ गया ऑफिस। कॉल कर। अभी हम लोग पहुंच गए शेख के पास, और खोल ना जल्दी खोल, अंदर जाके ढोल बजाना शुरू कर देंगे। पैसे भी मैंने ले लिए हैं, पैसे ही पैसा। मेरा पासपोर्ट आया नहीं क्या हो तू? मैं तो राती देना प्रैंक की तैनू भी पता है क्या प्रैंक किया? मैं तो किया कह रहा थी केड़ा क्या ओए कैसे ओ दासर ओ तू तेरा दासर क्या मतलब मैं तो देना प्रैंक की था क्या प्रैंक हम दारे भी इधर अपनी फोटो ला के फिर आ कर सही कह रहा है ये सही क्या बे ये बहुत ही पैसे वापस दे दे पैसे बाबा थलो ही चुक पैसे चलिए चली चोरी मादर ओविदा नहीं लगा नहीं लगा बाकी बाकी तेरी एक्टिविटी करवाती लेगा मैं कहा घर बैठे हैं चंगी गल नहीं है एक्टिविटी होनी चाहिए चलो हम लोगों ने पार्टी फिर भी खानी है ताबिया था चलो ठीक प्रैंक किया था ना पैसे दे अब ढोल वाले को ताजी इसे पैसे ले ये पैसे तो आया करवाए इस बंदे ने पैसे दे 2000 रुपया 2000 हां दे 2000 कल आ गए ओए पैसे दे उनको पैसे दे दे पैसे दे यार पैसे दे दे पैसे ये शेख पकड़ाएगा शेख दे पैसे यार वो तू उसी उधार दे ना दे जा चलो जी यार हमने तुझे इतनी दुआएं दी है तू प्रैंक कर रहा था और चौधरी क्यों दी है पता क्यों क्यों देना लगेगा बाकी कैरी कैसी पाएगा।
वो भी दुआएं दे रही थी, तुम भी दुआएं दे रही थी, मैं भी दुआएं दे रहा था। तू पता लगा था ना, लोगों में बता रहे थे कि यार शेख का वीजा लग गया है, उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है। नहीं नहीं, सिर्फ एक महीना वेट कर रहा है, पक्का स्टैंप, पक्की मोहर। चलो प्रैंक का हर जाना भरना पड़ेगा, हर जाना भरेगा ये बंदा, अब खाना खिलाएगा हमें। अभी चलते हैं, सही बात है यार, बहुत ही फ्रॉड किया तुमने हमारे। हम लोग कल जा रहे थे शहर की तरफ, रास्ते में मैं लुटिए डालता जा रहा था गाड़ी में, वीजा लग गया, वीजा लग गया 2017 में लगा था, उसको 2025 भी बनाया। तेरे मदर की गाता था यार, मेरी नहीं वो दे दिया ना, दे दिया, अच्छा वो भी देने। चलो यार देख रहा दे, मैं आता हूँ उसे को, एक मिनट भाई एक मिनट। हाँ क्या बता रहे थे, मैं वीजा भेजा, कहता कि तू लोए, मैं हमदा ने वीजा लुआ के दिता, हमदा नू कॉल कर, कहता ओके अल्लाह, कहता ओके अल्लाह, तू मेरा कदर नहीं है, कहता तू मेरे साथ बात ना कर। यार ये बंदा ना वैसे एडिटिंग का मास्टर है, सही बात है, मास्टर एडिटिंग का। तूने अपना नकली वीजा बना लिया यार, और यकीन मानो हमारे पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ है ऑलरेडी, और हम लोग बिल्कुल नहीं पहचान सके कि इसका वीजा असली है कि नकली है, क्योंकि इसने ना हाफिज का वीजा लगा हुआ है ना यूरोपियन, तो इसने हाफिज के वीजे पर अपनी फोटो लगा कर सारा स्केच भी कर लिया, डेट शीट भी चेंज कर वीजा, वीजा तुझे खाना खिलाना पड़ेगा। चलो ये हमारी फीलिंग्स के साथ खेल है, अब इसे बता दो। क्या बताऊँ, नहीं ना बताना, ये खाना खिलाएगा, ये हमारी फीलिंग्स के साथ खेल है, वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेला है बेटा। हम लोग रात से बड़े खुश फिर रहे थे, कमल कह रही थी शेख को नींद नहीं आएगी, तू तो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल गया यार। अभी जी शेख से पनिशमेंट पार्टी लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं, और रायता शायता आ गया है हमारा इधर, बाकी चीजें भी आ ही जाएंगी। देखो आ गया भाई जी, वो देखो आ गया, वो आ गया जी, अपना खाना भी आ गया। ओए आज तो पूरे देसी कढ़ाई शढ़ाई हम लोग खाने के लिए आए हैं। मटन कढ़ाई, ओए होए होए, शेख ने जी बड़ा मजेदार खाना हमें खिलाया है, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, तूने रात को हमारे साथ प्रैंक किया था ना? हाँ प्रैंक किया था, आज मैंने तेरे साथ प्रैंक किया, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था, हमदा ने बता दिया था, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तू पछता रहा है, मैं क्या कर बैठा हूँ, खिला बैठा हूँ इसको, खिला बैठो, पागल हो गए जी, इतना ना हिले, ना हिले, ना हिले, क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या दिखाएगा, क्या दिखाना चाह रहे, वे तेरे तो रंग फक हो गए तेरे, चल यार रंग नहीं छड़ी दा, पैरां दे पक्के आ। कैसा प्रैंक किया है, अल्लाह की कसम पता था। अच्छा जी, फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं ढोल लेके आया, आप पता अगर तेरा वाकई लगा होता तो मैंने पूरी बारात लेकर आनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मैं खुआड़ी हूँ, तुसा नवी गड़ी लई है ते मेहरबानी है, हुन दस दियो सानू किते पेट पूजा करानी है, कब करनी है, कल करवाऊं, कल किथे, यहां खेगा, ठीक है जी, ठीक है, पक पक डन डन ओके स्वादी। अभी जी शेख के साथ फ्रॉडबाजी करने के बाद हम लोग आ गए कमल के कपड़े एक्सचेंज करवाने के लिए मॉल, मॉल से जी हम लोग हो गए हैं फाइनली फ्री। हम लोग गए तो थे चीजें वापस करवाने, लेकिन डबल लेकर आ गए। यार अभी ना हम लोगों ने इजल का चेकअप करवाना था, जो फॉलो अप चेकअप हॉस्पिटल, डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी हमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, 5-7 मिनट में थी। तो फिर हमने कहा कि हॉस्पिटल में बैठने से अच्छा कि हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, जब ही डॉक्टर साहब आते हैं फिर एजल का फॉलो अप चेकअप करवाएंगे, इसकी वैक्सीनेशन का आज इंजेक्शन भी लगना है, उसके बाद एजल को शायद 1-2 दिन बुखार भी चढ़े, बाकी अल्लाह ताला खैर ही करे यार। अल्लाह ताला ने जी आज एजल को इंजेक्शन लगने से महफूज कर लिया, शायद डॉक्टर का कोई मसला मसाइल बन गया, वो हॉस्पिटल आ ही नहीं पाया, फिर हम लोग जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, अभी कल दोबारा से हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, बिकॉज वैक्सीनेशन करवाना बहुत 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 जरूरी है।